कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला सुना है? नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज मल्टीप्लाइड बाय इक्विटी। और मेरे भाइयों खुदा का नाम लेते हैं, देखो फॉर्मूला जो मैं पूछ रहा हूँ यार, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला सुनाते हैं सर। सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वर्ड्स भी कम रखे। डेफिनेटली वेरिएबल कॉस्ट का मतलब उसमें कौन कौन सी आ रही है, प्रोडक्शन वाली कॉस्ट ऑफ सेल में आ रही है और नॉन प्रोडक्शन वाली भी आ रही है। प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट की कुछ एग्जांपल्स दें, आपको पता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट की कोई एग्जांपल, सेलिंग एडमिन कॉस्ट। अगर मैं जस्ट कंट्रीब्यूशन वर्ड बोलूं आपके सामने, तो आई मीन्स टू से नेट कंट्रीब्यूशन। एक सीएस रेशियो का कल फॉर्मूला डेवलप हुआ, कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो का फॉर्मूला। नाम में ही वर्ड छुपे हुए हैं, कंट्रीब्यूशन सेल डिवाइडेड बाय, बस लगाना है आपने, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है सर, अगर मैं आपसे कहूं कि कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो 30% है, तो व्हाट इज 100 बाय, बेस में सेल है उसी ने 100 होना, बेस जो रखेंगे वही 100 होगी परसेंटेज में। तो 100 अगर सेल है, कंट्रीब्यूशन 30 है, तो 130 क्या होगा, क्या कितना होगा, 70 वेरिएबल कॉस्ट होगा। डिफरेंस आना है सेल और कंट्रीब्यूशन में, सेल और कंट्रीब्यूशन के दरमियान में किसका डिफरेंस होता है, वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। और अगर आपने पर यूनिट बनानी हो, तो सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सी एस रेशियो का फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट इंटू 100 परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। देन फिर अपना रजिस्टर देखें, एक तो फॉर्मूला डेवलप हुए, तो वहां ब्रेक इवन अगर आपने कैलकुलेट करना है, बिजनेस का ब्रेक इवन और उसके यूनिट्स कैलकुलेट होने हैं, तो बिजनेस के ब्रेक इवन यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन यूनिट्स अगर आ जाए और आप ब्रेक इवन सेल रुपीज निकालना चाहें, तो यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट हो जाएगा। ठीक है सर, देन उसके बाद अगर एक और फॉर्मूला ढूंढना जरा, ब्रेक इवन सेल के रुपीज डायरेक्टली निकालने हो, तो टोटल फिक्स कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट सॉरी डिवाइड बाय सीएस रेशियो हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या आएगा, डायरेक्टली रुपीज और ब्रेक इवन आ जाएंगे। और लास्ट वर्किंग देखेंगे हमने रजिस्टर में, रजिस्टर कहाँ है आपका, रजिस्टर कहाँ है, रजिस्टर रजिस्टर में होगा, रजिस्टर रजिस्टर में होना चाहिए, मेरे पूरा खर्चा। अगर ब्रेक इवन सेल रुपए आ गए हो, ब्रेक इवन सेल रुपए तो बने कैसे होंगे, ब्रेक इवन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस पर यूनिट। अगर रुपए आ गए हो और आपने यूनिट्स निकालने हो, तो सेल प्राइस पर यूनिट से आप डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करके यूनिट्स की तरफ भी वापस आ सकते हैं। लास्ट में जाते जाते फिर एक बहस स्टार्ट हुई थी, वहीं पर इकट्ठे होते थे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हेडिंग लिखी थी आपने कहीं सामने रखा। अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट में बिजनेस का एक ब्रेक इवन इसलिए कैलकुलेट किया जाता है, ताकि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में कम से कम कितने यूनिट्स बेचने हैं उस पर फोकस हो सके। ठीक है, तो ये पीरियड के स्टार्ट में एक वर्किंग होती है, लेकिन पीरियड के स्टार्ट में एक बजट भी बनाया जाता है। तो अगर आपके सामने लफ्ज बोला जाए ब्रेक इवन सेल, तो आपको उससे क्या समझ आएगा, ब्रेक इवन सेल वो कम से कम यूनिट्स जो हमें बेचने हैं ताकि लॉस खत्म हो, कम से कम लॉस तो खत्म हो। और बजटेड सेल से क्या समझ आएगा, वो यूनिट्स जो हमें एक्सपेक्टेड है कि बिकेंगे, एक्सपेक्टेड है कि बिकेंगे। अगर एक्सपेक्टेड सेल ऑलरेडी लेस है ब्रेक इवन सेल से, तो फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाली को बहस ही नहीं है, लॉस होना ही होना है, लॉस ना गुजीर है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तब होगा जब बजटेड सेल ब्रेक इवन सेल से ज्यादा होगा, और जितनी ज्यादा होंगी कौन सी सेल की, सेल से वो डिफरेंस मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है, वो डिफरेंस मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है।
मेरी फिगर्स का मीनिंग था कि वी आर एक्सपेक्टिंग 1 लाख यूनिट्स इन सॉरी 1 लाख 20 हजार यूनिट्स इंशाल्लाह बेच लेंगे, इंशाल्लाह बेच लेंगे। और ब्रेक इवन कितने पे एक्सपेक्टेड है? 1 लाख पे। तो जो 20 हजार हम एक्स्ट्रा बेच देंगे वो हमें प्रॉफिट की तरफ ले जाएंगे। ये वर्ड समझ आते हैं? कितने यूनिट्स 1 लाख 20 हजार, गौर से देखें, 1 लाख 20 हजार के अंदर लाख यूनिट्स ब्रेक इवन वाले हैं, तो ये लॉस खत्म करेंगे। और जो 20 हजार एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं ये फिर हमें लॉस खत्म करके प्रॉफिट की तरफ ले जाएंगे। क्या सिर्फ यही 20 हजार यूनिट्स इंपॉर्टेंट है या वो लाख भी इंपॉर्टेंट है? उन लाख की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। वो लॉस खत्म करेंगे, लाख यूनिट्स लॉस खत्म करेंगे, और ये 20 हजार यूनिट्स फिर हमें लॉस से आगे प्रॉफिट की तरफ ले जाएंगे। तो वो यूनिट्स जो आपका प्रॉफिट में ले जाएंगे उन्हें बोला जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कुछ बात समझ आ गई मेरी? तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी? एडिटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल माइनस ब्रेक इवन सेल इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा, ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है बोर्ड पर जरा देखें, ये यूनिट्स के साथ साथ अमाउंट्स में भी कैलकुलेट हो सकता है। मसलन ब्रेक इवन सॉरी बजटेड सेल रुपीस माइनस ब्रेक इवन सेल रुपीस, तो यूनिट्स को रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हैं सेल के। क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस करेंगे। तो लेट्स सेम 10 रुपया सेल प्राइस है, तो 12 लाख के सामने सॉरी 1 लाख 20 हजार के सामने 12 लाख क्या बन गया? अगर बजट अगर यूनिट्स हो, सोल्ड यूनिट्स हो, तो मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट करके आप बजटेड सेल के रुपीस निकाल सकते हैं। और सिमिलरली बजट ब्रेक इवन सेल के रुपीस कैसे आ सकते हैं? ब्रेक इवन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल रुपीस। समझ आ रहा क्या कर रहा हूँ? डिफरेंस लें अमाउंट्स में, 2 लाख, 2 लाख क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज है। ये सीधा भी 2 लाख निकाल सकता हूँ, अगर 20 हजार यूनिट्स हो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के, तो मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज। तो 10 रुपीज में अज्यूम कर रहा हूँ सेल प्राइस, नोट कर लेना हर एंगल से। एक कॉलम छोड़ दो कल आप। तो यूनिट्स को अगर सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दे रहे तो बजटेड सेल भी आ जाएगी, ब्रेक इवन सेल भी आ जाएगी, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के रुपीज भी आ जाएंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स के रुपीज भी आ जाएंगे। 20 हजार यूनिट्स हमें प्रॉफिट में ले जाएंगे, और इन 20 हजार यूनिट्स का रेवेन्यू होगा 2 लाख रुपया। क्लियर हो गया सर? अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स को मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में कन्वर्ट करना हो तो क्या तरीका होगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस। अगर बजटेड सेल यूनिट्स को बजटेड सेल रेवेन्यू में कन्वर्ट करना हो तो सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं। ब्रेक इवन सेल यूनिट्स को अगर रुपीज में कन्वर्ट करना हो तो सेल प्राइस पर यूनिट, मतलब तीनों जगह सेल प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई। इन अदर वर्ड्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में भी आ जाता और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज अमाउंट्स में भी आ जाता। कैसे? यूनिट्स को सेल रुपीज से मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट हेडिंग लिखें मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज भी आ जाती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने परसेंट है। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहे कर लें तो फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो कैलकुलेट हो जाती है। फॉर्मूला सुनो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी उठाएंगे आप, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट होता है? बजटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी उठाएंगे आप और डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स कर लें और मल्टीप्लाइड बाय 100 करके आप परसेंटेज फाइंड आउट कर लें। ठहरे, अकॉर्डिंग टू डेटा जो आपने लिखा है जरा उसकी बेस पे वर्किंग करवाएंगे। ये वर्किंग यूनिट्स में भी हो जाएगी और अमाउंट्स में भी हो जाएगी। इंशाल्लाह आंसर सेम इसलिए होगा क्योंकि हर जगह सेल प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई हो रही है। परसेंटेज निकालते हुए यूनिट्स की बेस पे भी कर सकते हैं आप
और अमाउंट्स की बेस पे भी वर्किंग कर सकते हैं। मुझे दोनों तरह से करवाना था। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूनिट्स के एंगल से करूं तो कैसे करूं? 20,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय आंसर इज इक्वल टू 16.67% पॉइंट्स के बाद दो डिजिट्स पे आपने बात खत्म कर दी। मेरे सेंटेंस होने जरा कांडी। 16.67% ऑफ क्या चीज, किसका कितने परसेंट है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज, दोबारा रिपीट कीजिएगा जरा यार, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 16.67% ऑफ बजटेड सेल्स। लिखने से पहले बात पूरी करने दो। 16.67% हमने लिखा है, मैथमेटिकली इसका मीनिंग है 16.67 डिवाइडेड बाय 100। फॉर्मूला देखें बोर्ड पर, बेस में क्या लिखा हम, तो बजटेड सेल्स की बेस पे ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज कैलकुलेट होती है। व्हाट इज 100 बेस बजटेड सेल, अब बजटेड सेल बेस में व्हाट इज 16.67 मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 16.67% ऑफ बजटेड सेल, ऐसे लिखा हम। व्हाट इज 100 बजटेड सेल, व्हाट इज 16.67 मार्जिन ऑफ सेफ्टी, व्हाट इज 116.67, नथिंग नथिंग, पता होना चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला बोला, बजटेड सेल ब्रेक इवन सेल माइनस होनी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। व्हाट इज 100 बजटेड सेल, व्हाट इज 16.67 मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इनके दरमियान में कुछ माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है? क्या माइनस हो रहा है? ब्रेक इवन सेल, कैलकुलेटर उठाएं, 100 लिखें, 100 क्या लिख रहे हैं यार, क्या लिख रहे हैं यार, माइनस 16.67 क्या लिख रहे हैं यार, इज इक्वल टू क्या निकालिए भाई, ब्रेक इवन सेल, ब्रेक इवन सेल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेशन अगर आपने करनी है तो ब्रेक बजटेड सेल और ब्रेक इवन सेल माइनस होकर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आना। इन अदर वर्ड्स, बजटेड सेल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के दरमियान में ब्रेक इवन सेल्स हैं जो माइनस हो रहे हैं। दोबारा एक ट्राई हो जाए जरा, व्हाट इज 100 ऑलवेज, यस ऑलवेज, क्योंकि फॉर्मूला है ही किसकी बेस पे, बजटेड सेल 16.67 इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ ब्रेक इवन सेल्स, 83.33। अगर आपसे कहा जाए कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% है तो व्हाट इज 100, व्हाट इज 100 बजटेड सेल, व्हाट इज 25, व्हाट इज 125, नथिंग नथिंग नथिंग, 125 इज नथिंग, माइनस होना है बीच में। व्हाट इज 100, क्या बजटेड सेल के अंदर, सोच के तो बताइएगा, व्हाट क्या बजटेड सेल के अंदर ब्रेक इवन सेल होती है? और जाने दें यार, देखें 1,20,000 गौर से जरा, 1,20,000 के अंदर लाख है, जाने दें यार। तो बजटेड सेल अगर 100 हो गई है तो 1,20,000 के अंदर ब्रेक इवन सेल भी है, और सोचें दोबारा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी इसके अंदर है, और जाने दें। तो इसमें से अगर ब्रेक इवन सेल निकाल दें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बच जाएगा। तो व्हाट इज 100, व्हाट इज 16.67, व्हाट इज डिफरेंस, द नेम ऑफ द डिफरेंस। ये चीजें बिल्कुल टिप्स होनी चाहिए, यही गेम बन जानी आगे जाके। सीएस रेशियो का फॉर्मूला अगर 20% हो, व्हाट इज 100 सेल, वहां कोई बजटेड सेल नहीं, हम भी नहीं लगाएंगे सेल। व्हाट इज 20 कंट्रीब्यूशन, एंड व्हाट इज 80 वेरिएबल कॉस्ट। सेल और कंट्रीब्यूशन में डिफरेंस किस वजह से होता है? और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कैलकुलेशन बजटेड और ब्रेक इवन की बेस पे होती है। बजटेड, बजटेड सेल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के दरमियान में ब्रेक इवन सेल है, और सेल और कंट्रीब्यूशन के दरमियान में वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30% हो तो 100 इज बजटेड सेल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 30 एंड द डिफरेंस 70 इज ब्रेक इवन सेल। अब नोट कीजिएगा कहीं आपके लिए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है प्लीज।
जी बेटा, मेरे ख्याल से बुक सेंड होगी नहीं आपको, सैटरडे से हो शुरू हुई नहीं, मेरे ख्याल एक आध दिन मिल जानी चाहिए। जी सर, नोट। नोटेड है सर। जी सर, मैंने अभी आपके सामने ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाला है यूनिट्स के एंगल से, लेकिन मैंने अभी कहा था कि ये रुपीज से भी आ जाता है। फार्मूला वही रहेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय बजटेड सेल, लेकिन अगर रुपीज होंगे तो फिगर्स ढूंढना था। 2 लाख डिवाइड बाय 12 लाख, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज डिवाइड बाय बजटेड सेल रुपीज इंटू 100। वही इसलिए आ रहा है, पता है किसी को वही क्यों आ रहा है? दोनों पे सेल प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई हुई, तो सेल प्राइस पर यूनिट दोनों में कांस्टेंट है, तो आंसर इंशाल्लाह सेम ही आया करेगा। या कैसे वर्किंग करना है या कैसे करना है। व्हाट इज 100 इन दिस रेशियो? लाइटेड सेल। अगर आंसर 30% है तो 30% मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया और बैलेंसिंग फिगर ब्रेक इवन सेल निकल आएगी। बस अंदर 1 मिनट कैलकुलेटर पकड़ो। ये चले, सॉरी इस वक्त फिगर्स नहीं, अभी फिगर्स के साथ वर्किंग करते हैं। कैलकुलेटर उसे पकड़ के रखते हैं, लेकिन फिलहाल साइड पर रखते हैं। जी यहाँ तक आप कुछ फॉर्मूलाज फाइनल हुए हैं, जल्दी से अगर रिवाइज कर लें जहन में। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सी एस रेशियो का फॉर्मूला। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल प्राइस पर इनटू 100, देन उसके बाद ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, डायरेक्टली रुपीज और ब्रेक इवन निकालने का फॉर्मूला। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सी एस रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला, बजटेड सेल माइनस ब्रेक इवन से, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो का फॉर्मूला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स मल्टीपल बाय 100। मेजॉरिटी ने बोला ही नहीं है क्योंकि उन्हें टिप्स पे याद। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला ड्राइव करना है, हेडिंग लिखें टारगेट प्रॉफिट। टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स एंड रेवेन्यू। टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स एंड इट्स सेल रेवेन्यू। टारगेट प्रॉफिट का कोई मीनिंग बताए, जितना प्रॉफिट कमाना चाहता। कल हमने वर्किंग नहीं, मतलब कोई भी इंसान ख्वाहिश कर ले, मैंने इतना प्रॉफिट कमाना, मैंने इस साल इतना कमाना, जो भी आप कहेंगे इतना कमाना वो टारगेट है। मैं इस साल 50 लाख प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, मैं इस साल 50 अरब प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, मैं इस साल 50 अरब पाउंड्स कमाना चाहता हूँ, एंड सो ऑन। मैंने तो स्टार्टिंग पॉइंट बताया, तो जो आप सोच लेंगे वो टारगेट प्रॉफिट होगा। हमने कल वर्किंग की थी ब्रेक इवन यूनिट्स की, वो क्या होते हैं ब्रेक इवन यूनिट्स? कितने यूनिट्स बेचूं के प्रॉफिट लॉस लॉस खत्म हो जाए, चलिए
कितने यूनिट्स बेचूं ब्रेक इवन हो, लॉस खत्म हो जाए। अब फाइंड आउट हमें ये करना है कितने यूनिट्स बेचूं कि डिजायर्ड प्रॉफिट होता है। कल क्या हुई थी वकील, कितने यूनिट्स बेचूं ब्रेक इवन हो जाए, लॉस खत्म हो जाए। अब ये भी आप एज अ बिजनेसमैन इस चीज में भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि कितने यूनिट्स बेचूं के 50 लाख प्रॉफिट हो जाए, 50 लाख टारगेट हो, कितने यूनिट्स बेचूं 5 करोड़ प्रॉफिट हो जाए। तो ब्रेक इवन में क्या था, कितने यूनिट्स बेचूं के लॉस खत्म हो जाए, यहाँ क्या होने लगा, कितने यूनिट्स बेचूं के डिजायर्ड प्रॉफिट हो जाए। तो वही बड़ा फॉर्मूला, उसी में इंशाल्लाह भी आप देखेंगे कि और वर्किंग हो जाएगी। कल वाली अपनी वर्किंग सामने रखें जो आपने मुझे ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला बनवाया था, कहाँ से शुरू करवाया था, एक इक्वेशन ड्राइव हुई है यार, एक इक्वेशन सॉल्व करते 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 फॉर्मूला ड्राइव हुआ, क्या ये वाली इक्वेशन एज इट इज रेलिवेंट रहेगी, क्या कॉस्ट में प्रॉफिट एड करने से सेल बन जाती है, या इन अदर वर्ड्स सेल में से कॉस्ट माइनस करने से। अब डेफिनेटली यहाँ कॉस्ट में लिख रहा हूँ, कौन सी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। कल इस फॉर्मूले को फर्दर, इसी क्वेश्चन को फर्दर कैसे सॉल्व किया था, प्रॉफिट जीरो रख ली, प्रॉफिट जीरो रख लिया, अगर ब्रेक इवन होगा तो प्रॉफिट जीरो है, और अगर आपने टारगेट प्रॉफिट के यूनिट तक पहुंचना है तो प्रॉफिट की जगह वो अमाउंट लिख लेनी है जो आप कमाना चाहते हैं, एवरी अदर थिंग रिमेंस सेम, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप बताएं कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, सोच लें, फिर सोच ये भाई ने सबसे ज्यादा डिसेंट बात की है, बाकी शुगर में लग गए हैं, बता सिंपल सी बात है, उसने सोच के बता दी, बाकी हंसी जा रहे थे, वो कर लेते हैं वो कर लेते हैं, भाई ने मसला हल कर दिए। सपोज वी आर, वी वांट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5 मिलियन, इतनी सी कहानी थी, अज्यूम ही करना था, तो ये बहस यहाँ खत्म हो जाए, क्या ये कहीं और से भी जवाब आ सकता था, आ सकता था, आपको पता नहीं किधर निकल, वो भी कमा लेते हैं, पहले ये कमा के देखते हैं। चलिए जी, इक्वेशन ड्राइव होने लगी, फॉर्मूला सॉरी ड्राइव होने लगी, टोटल कॉस्ट प्लस जीरो की जगह क्या हो जाएगा, 5 मिलियन इज इक्वल टू सेल। टोटल कॉस्ट में क्या क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट के अंदर क्या क्या होता है, प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट, नॉन प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट। ठीक है सर, रीअरेंज करवा दो, सेल में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरी इक्वेशन क्या रह जाएगी, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस 5 मिलियन, क्या फल, सेल में से अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो फिर कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। एक सेकंड, अपने जहन में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लाएं, और हमेशा जब भी मैं स्टोरी में आपको कहूंगा तो आपने मार्जिनल कॉस्टिंग से सोचना, तो मेरे साथ जरा 5 मेन हेड्स चलें, पहले रिवाइज करें, स्टार्टिंग पॉइंट सेल, वेरिएबल कॉस्ट माइनस, नहीं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल रहने दें, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सीधी कंट्रीब्यूशन, बाकी डेफिनेटली डेप्थ अपनी जगह है, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कौन सी कंट्रीब्यूशन, नेट नहीं बोल रहा तो नेट, एंड लेस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू नेट प्रॉफिट। अगर ब्रेक इवन होगा तो आप स्टेटमेंट जरा ध्यान रखें, तो कंट्रीब्यूशन बस उतनी होगी जितनी फिक्स कॉस्ट होगी, लेकिन अगर आपने 50 लाख प्रॉफिट कमाना है तो फिर कंट्रीब्यूशन इतनी होनी चाहिए कि फिक्स कॉस्ट कवर हो जाने के बाद 50 लाख अपने लिए भी बच जाए। फर्ज करें फिक्स कॉस्ट 10 लाख है, बताएं कंट्रीब्यूशन कितनी होनी चाहिए, 60 लाख क्यों, 60 लाख में से 10 लाख लेस होगा तो 50 लाख अपने लिए बचेगा। अगर ब्रेक इवन होगा तो कंट्रीब्यूशन जस्ट कितनी होनी चाहिए जितनी फिक्स कॉस्ट है, लेकिन अगर प्रॉफिट कमाना है तो
कंट्रीब्यूशन में क्या प्रॉफिट की अमाउंट भी होनी चाहिए, कंट्रीब्यूशन में प्रॉफिट की अमाउंट भी होनी चाहिए। तो इस केस में फिर कंट्रीब्यूशन किसके बराबर हो रही है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ब्रेक इवन हो तो प्रॉफिट जीरो होगा, क्या ही क्या होगा, कंट्रीब्यूशन ही फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा। लेकिन अब आपकी कंट्रीब्यूशन कितनी निकलनी चाहिए अगर आपने 50 लाख प्रॉफिट कमाना, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बराबर होनी चाहिए। समझ आती बात? ब्रेक इवन हो तो क्या जीरो हो गया, और अगर प्रॉफिट आपने टारगेट किया हुआ है तो वो टारगेट प्रॉफिट भी आपने कमाना है कंट्रीब्यूशन के अंदर। आपके यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन इतनी होनी चाहिए कि फिक्स कॉस्ट कवर करने के बाद वो प्रॉफिट बचे जो आप कमाना चाहते हैं। एक फाइनल इक्वेशन बनेगी यहाँ से। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलाती है, अपने कल वाला पेज जरा देख लो। यूनिट सोल्ड को अगर मल्टीप्लाई किया जाए किसे किसे किसे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सोल्ड, तो कंट्रीब्यूशन की अमाउंट आ जाती है। कल वाली फिगर ढूंढ के बताएं, रजिस्टर में देखते कितने थे यूनिट सोल्ड, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2.5, वो ऊपर था भाई के रजिस्टर में, वो 6 ऊपर है। मैं कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ। लाख इंटू 2.5 इज इक्वल टू 2.5 लाख, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख को कैलकुलेट करने का तरीका, एक तो सीधा है सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन सीधा यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट। फाइनली अगर आपने यूनिट सोल्ड कैलकुलेट करने हैं किस लेवल के, ब्रेक इवन लेवल पे यूनिट सोल्ड अगर आपने कैलकुलेट करने हैं अपने इस टारगेट प्रॉफिट के, तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन वाले फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में जस्ट क्या डिफरेंस है? ब्रेक इवन के फॉर्मूले में टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस जीरो प्रॉफिट है, और यहाँ जीरो की जगह जो आप कमाना चाहते हैं, अगर 50 मिलियन प्रॉफिट कमाना चाहते होंगे तो 50 लाख की जगह 50 मिलियन लिख लें, जो कमाना है वो फिक्स कॉस्ट में प्लस कर लें, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एज इट इज बन जाए। ठीक है जी, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मूला ऑफ ब्रेक इवन यूनिट्स एंड टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स? फिक्स कॉस्ट में जस्ट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एज इट इज रहेगा। ये ठीक है जी, ये कर ले नोट, उसके बाद फिर अगली बात करते हैं। जी आप कुछ कह रहे थे?
फाइनल इक्वेशन खुद बनाई है, मुझे बनवा रहे थे, आपको दे दे के लिखी जाते कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पचास लाख की जगह क्या आता रहेगा अगर ब्रेक इवन होगा? तो जीरो होगा। और अगर प्रॉफिट कमाना है तो जो प्रॉफिट कमाना है वो इस फिगर की जगह आता है। कंफ्यूज है? अगर टारगेट प्रॉफिट के यूनिट्स आ जाए तो टारगेट प्रॉफिट रेवेन्यू आ जाएगा। क्या मतलब? नहीं, टारगेट प्रॉफिट के यूनिट्स आने क्या मतलब? इतने यूनिट्स बेचें कि प्रॉफिट हो जाए। अगली बात क्या की है मैंने? वो यूनिट्स बेच के रेवेन्यू कितना हो? टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स का रेवेन्यू, तो टारगेट प्रॉफिट रेवेन्यू, टारगेट प्रॉफिट सेल रेवेन्यू, टारगेट प्रॉफिट सेल रेवेन्यू। ये मैं शायद एम्फसाइज करने के लिए सेल भी कह रहा हूँ, रेवेन्यू भी कह रहा हूँ। ये सेल किसे कहते हैं, रुपीज को या यूनिट्स को? सेल, सिर्फ सेल अगर मैं बोलूं तो सेल के रुपए, सेल रुपए, सेल के रेवेन्यू के रुपए कैसे आने चाहिए आपके ख्याल? यूनिट सोल्ड और टारगेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर। तो टारगेट प्रॉफिट के लिए यूनिट्स बेचने हैं, उसको मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट करेंगे तो क्या आना चाहिए? टारगेट प्रॉफिट के सेल के रुपए आ जाना चाहिए। ये प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एंड में होता है स्टार्ट में? बेटा जाने दो यार, प्रॉफिट, या अल्लाह तेरा शुक्र है ये सवाल मेरे जहन में अचानक आया। और नहीं यार, मैंने पूछा प्रॉफिट एंड पे होता है, स्टार्ट में एंड पे होता है। मैं इस वक्त किस चीज की बात कर रहा हूँ? अगर 50 लाख एंड पे रखना है, आना चाहिए 50 लाख एंड पे लाने के लिए, सेल के स्टार्टिंग रुपए कितने होने चाहिए ये बात करो। शुरू में सेल कितनी होगी कि एंड में 50 लाख प्रॉफिट हो, ये कैलकुलेट हो रहा है। तो मेरा तो ख्याल है 50 लाख अगर सेल हो तो 50 लाख प्रॉफिट होता है, खर्चे लेस होंगे। तो एंड में अगर 50 लाख आना है तो कितने यूनिट्स बेच के, किस अमाउंट में बेच के ये 50 लाख आएगा, ये बात हो रही। सेल रुपयों की बात हो रही। ये पहली फिगर की बात हो रही है आखिरी की? नहीं, ये इस वक्त पहली फिगर की बात हो रही है ताकि एंड में 50 लाख आ जाए। ठीक है, क्या टारगेट प्रॉफिट सेल रेवेन्यू कैलकुलेट करने का कोई डायरेक्ट तरीका भी हो सकता है? अभी हो सकता है सर, वही होगा, ढूंढे कौन सा होगा। टारगेट प्रॉफिट सेल रेवेन्यू डायरेक्टली नहीं यार, डायरेक्टली ब्रेक इवन रुपीज का फॉर्मूला, उन्होंने कहीं उन्होंने कहा था टारगेट सेल रेवेन्यू डायरेक्टली अगर निकालना है। फिलहाल कैसे निकाला मैंने? पहले मैंने यूनिट्स निकाले हैं, टारगेट प्रॉफिट के यूनिट्स निकाले हैं, मल्टीप्लाई सेल प्राइस करके आंसर निकाला। डायरेक्टली अगर निकालना हो तो कल वाला फॉर्मूला एज इट इज कैसे चेंज होके आ जाएगा? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस अब टारगेट प्रॉफिट वर्ड लिख दो उसमें, 50 लाख टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सीएसए। सीएसए वहां फॉर्मूला क्या था सोचे? वैसे टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएस रेशियो, लेकिन प्रॉफिट ऐड करके सीएस रेशियो एज इट इज यूज। सीएस रेशियो का फॉर्मूला क्या? सॉरी, और जहां जीरो की जगह अमाउंट ऐड करना। बात तो वैसे बिल्कुल आपकी ठीक है, कितने फार्मूले हो गए गिनने की जरूरत नहीं है, काफी सारे हो गए, लेकिन गेम अलहमदुल्ला अभी स्टार्ट हुई है। ब्रेक इवन यूनिट्स का फार्मूला क्या है? फला दे मायूसी की इंतहा करते हैं, बोलना ही नहीं जा रहा, बोलना ही नहीं जा रहा, कोशिश पूरी है लेकिन एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा। शायद ऐसे भी रैंडमली डाटा, रैंडमली इसको फॉर्मूलों को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है,
आपके सामने जो फॉर्मूला, क्या इसी फॉर्मूले में कुछ चेंज आ जाएगा अगर ब्रेक इवन प्रॉफिट की जगह एवरीथिंग अदर्स एवरीथिंग एल्स सेम। पेज नंबर 4 निकालेगा, क्वेश्चन स्टार्ट है, बीच में तो थोड़ी थोड़ी वर्किंग आपने करनी।